नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मिल के अंदर आए थे। यहाँ पर एसकॉक 325 ट्रैक्टर मिला है। ये ट्रैक्टर बिकाऊ है। जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं हम उनसे मिलवाते हैं। इन्होंने इसमें ट्रैक्टर लेने के बाद जो जो इसमें काम किया है, मतलब क्या क्या काम कराया है, जो ट्रैक्टर बिकाऊ है उसके बारे में जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं वो बताएँगे इसके बारे में। तो इस ट्रैक्टर के ओनर इनसे मिलवाते हैं। तो भैया अपना नाम पता बताइए एक बार। मेरा नाम भैया गौरी शंकर, गाँव फतेहपुर जादव। तो भैया आपने ट्रैक्टर ये मतलब सेकंड हैंड लिया था? हाँ जी। कब लिया था जी आपने ये? लिया ऐसा कोई 8-10 साल। अच्छा, तो आपने इंजन करा दिया जी? हाँ, इंजन करा दिया। तो जैसे ट्रैक्टर आप देख रहे हैं तो भैया इसका कितने रुपए मांग रहे हैं लगभग? 1,35,000। 1,35 मांग रहे हैं, तो इसमें कुछ हो सकता है कम? हाँ, 1,500 के सम भी ना खा रहा है। तो जो इसमें आपने जो काम कराया उसके बारे में बताइए एक बार। जैसे कि इसमें बम्पर देख रहे हैं, इसमें नया बम्पर लगा हुआ है। हाँ, जो इसमें फ्रंट में इसमें एलईडी लाइट लगी हुई है, तो इसमें कितना खर्चा आया था बम्पर में? बम्पर में आया भैया 8,500 रुपये खर्चा। इसकी लाइट बताइए, बता रहे थे ये लाइट जला के देखो। ये लाइट 700 रुपये की लगी हुई है। लाइट जला के देखो, लाइट का और देख लीजिए। ये भी जा रहे हैं और यहाँ की ये भी जा रहे हैं। मतलब एक जैसे आप देखेंगे ये भी जा रहे हैं, इसमें चालू है लाइट और जो इसकी एलईडी लाइट है वो भी चालू है। एलईडी लाइट जो बिलिंग करती है पहली बार में डायरेक्ट कर देख सकते हैं के साथ जल्दी। भैया आप एक बार ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और दिखा दीजिए। अच्छा जी, किसान भाइयों आपने देखा ट्रैक्टर एक ही सेल्फ में स्टार्ट है। भैया इसके टायर के बारे में बताइए। अगले तो ओरिजिनल है, MRF जी जी 600 लेके हैं जो। हाँ जी, और ये पिछले 12/4/28 के रबड़ हैं MRF के। ये भी 19 मॉडल है जी। इसमें सिस्टम लगा हुआ है डेक का, ये भी चालू है बिल्कुल। हाँ, सब चालू है। इसके बारे में बताइए जो इसमें लीवर दिए गए हैं, जो इसके लीवर हैं ये PTO की है और ये लिफ्ट की है। तो लिफ्ट मतलब लिफ्ट में वाला लीवर कैसे काम करता है? जैसे जैसा अगर मेन पे कर देंगे तो ये चलेगी नहीं लिफ्ट, जी जी रुक जी, जाएगी जी जी। लीवर भी वो काम ना करेंगे जी जी जी। और जब इसे यहाँ कर देंगे तो लिफ्ट उठाएगी भी और करेगी भी जी। और ये रूटर भी खींचे है। ये रूटर की और बता रहे थे आप? हाँ, रूटर भी चला के देखा था। हाँ, रूटर भी खींचे है। ये 7 फुट का रूटर, 7 फुट का रूटर आपने चला के देखा? हाँ, थोड़ा लगाओ कम जा, थोड़ा कम लगा मैं रूटर पर, खींचा खूब बढ़िया। हाँ, चला के देखा। अगर इस पर कोई 6 फुट का रूटर बेटर चलाना चाहे तो एकदम आराम से चला। हाँ, चला देगा 6 फुट के। फिर डीजल का एवरेज और बताइए, ऐसे इस पर टिलर पे आप हैरो पे चलाते हैं? रूटर पर खा जा भैया 4 करीब। और टिलर हैरो पे से बताइए, या ट्रॉली पे आप गन्ने लाए हैं? इन पर 2.5 टिलर पे। इसका लोड खींचने बताइए, ऐसे ट्रैक्टर का लोड जैसे गन्ने ये भर रहे हैं? 75 क्विंटल गन्ना भर रहा हूँ, खेत में से निकाल कर ला रहा हूँ। जैसे किसान भाई आप देख सकते हैं ट्रॉली 75 क्विंटल, पूरे 75 क्विंटल गन्ना है। और जो ट्रॉली जो देख रहे हैं आप, ये डबल जोगा की ट्रॉली है। ट्रैक्टर बढ़िया है एकदम, आपकी कंडीशन देख सकते हैं, टायरी कंडीशन। गांव में आके चला के देखो खूब, फ्रंट की भी देख सकते हैं। तो भैया बता रहे हैं, भैया बताइए जैसे कि अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर को लेना चाहता है तो इनके गांव में आकर चला के देख सकता है। तो भैया अपने गांव का एक बार नाम बताइए। गांव का नाम है फतेहपुर जादव। अच्छा जी, चोला स्टेशन के पास। चोला स्टेशन के पास। तो भैया अपना नंबर बता दीजिए एक बार। नंबर ये है 94-11 जी 690 जी 547। तो किसान भाई अपना नंबर भी देख लिया, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा भैया का। और कोई भी कमेंट आई थी इसको 335 या 25 है और शेरा वाली को झंडा भैया पे पुजारी आदमी देख सकते हैं, इसको की बहुत डिमांड थी। तो भैया का नंबर भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, संपर्क करें। ठीक है भैया, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का नंबर है UP13 बुलंदशहर का नंबर है। और आप बम्पर का और देख सकते हैं, जो किसान भाई ने इसे बम्पर इंस्टॉल कराया था। आप बम्पर और देख लीजिए एक बार, इसमें फ्रंट में जाली है और इसमें LED लाइट भी लगी हुई हैं। आप बम्पर का और एक बार लुक देख सकते हैं। और ट्रैक्टर की आप कंडीशन ओवरऑल भी देख लीजिए, मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे फ़ोन करके इनके गांव में आकर ट्रैक्टर को चलाकर पूरी तसल्ली के साथ देखकर ख़रीदें। धन्यवाद।